मैं छोटू, कद 5'6", लेकिन 10 फुट का सांप पकड़ लेता हूँ मैं। ये मेरे दोस्त गुड़िया और आकाश, दोनों की जिंदगी का एक जैसा टेंशन। आकाश का टेंशन उसकी माँ, तो वही गुड़िया का टेंशन उसके पापा। पर मैं अनाथ, कई बोलते मैं खुद एक टेंशन, पर मेरी एक दोस्त और थी, और उसका टेंशन था कि वो दुनिया का टेंशन दूर करे, लेकिन फिर उसको हमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया गया। यही लोकेशन। तोड़ दरवाजा। दोनों को तरह ढूंढो। सर अंदर कोई नहीं है। बाहर ढूंढो, आसपास सभी तरफ देखना, बच्चे यहीं की होनी चाहिए। सर नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। जब बच्चे किसी अपराध का शिकार होते हैं या नासमझी में उनसे कोई अपराध हो जाता है तो ये दोनों ही स्थितियां काफी सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि बच्चे परिवार, समाज और हमारे देश का भविष्य होते हैं। ये केस बच्चों के कुछ ऐसे ही चिंताजनक पहलुओं से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये बच्चे थे कौन? क्या ये पुलिस से छिप रहे थे या फिर किसी ने इन्हें छुपा कर रखा हुआ था? ये केस अलाहाबाद का था, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक दूसरा केस बहुत जल्द रामनगर उत्तराखंड में भी आने वाला था। साहब माला 10 का 1 बिस्का 3 है साहब, एक ले लो, 10 का 1 बिस्का 3 बोलो, 10 का 1 बिस्का 3 माला। आंटी माला ले लो ना, 10 का 1 बिस्का 3 ले लीजिए ना प्लीज। नहीं माला नहीं चाहिए। माँ ले लो ना एक। अरे माला का क्या करेगी? माँ जी के लिए। आंटी ले जाओ, आपके लिए फ्री। फ्री? हाँ फ्री, ले जाओ। माँ सही दाम लगा देगा, 20 का 4 देगा। 20 का 4 ठीक है, 20 का 4। माँ ले लो ना। नहीं चाहिए, 10 का 2 देना। बोनी कराने के लिए शुक्रिया आंटी। चल जय हिंद मैडम। अरे जय हिंद छोटू, कैसे हो? बहुत अच्छा। माला बिक रही है? हाँ मैडम, आजकल बोनी ऐसे हाथों से होती है तो सब बिक जाता है। ये लो। अरे नहीं मैडम, आपसे पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, आप तो माई बाप है हमारे। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? रख लो, चलो। खाने का टेंशन नहीं मैडम, अब हमको पढ़ाई लिखाई कर कर आपकी तरह बनने का है। उसके लिए हमने स्कूल की किताबें भी खरीद ली है। अच्छी बात है। ये पकड़ो। हेलो, डेड बॉडी कहाँ पे? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ।
बॉडी एक लकड़ी काटने वाले ने देखी थी, विदेशी महिला की लाश है। चलो पीछे हटो। पीछे हो जाइए। सर पहचान ना पता चले इसलिए बॉडी को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन बारिश होने के कारण बॉडी पूरी तरह से जली नहीं है। आसपास और कोई क्लू मिला जिससे इसकी कोई पहचान हो सके? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ नहीं मिला। चेहरे से तो इसकी पहचान कर पाना मुश्किल है, लेकिन शायद इस टैटू से कोई लीड मिले। गुंजन, आसपास जितने भी होटल लॉजेस और गेस्ट हाउस हैं वहां से पता करो, ऐसी कोई फॉरनर ठहरी हुई थी जो मिसिंग है? यस सर। जल्द ही उस अज्ञात महिला की पहचान में जुट गई जिसके विदेशी सैलानी होने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन इस वक्त इस महिला की पहचान की कोई लीड नहीं मिल पाई थी और उसकी हत्या का एक केस ऐसे कई और अपराधों से भी जुड़ने वाला था जिसमें इंसानियत की हदें भी पार की जा चुकी थी। ए खोल ना, ए खोल, ए सबिता, ए दरवाजा खोल, अरे खोल ना, अरे खोल, खोल। गुड़िया, कपड़े बदल के खाना खा ले, जा, मुझे बहुत काम है। ए गुड़िया, सुन 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 सुन, जाके पुलिस को बोल दे कि तेरी माँ तेरे बाप को कमरे में बंद रखती है, जाके बोल दे, जा 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 बोल दे। हाँ, मुझे बंद करके ना गुड़िया का किस्मत का दरवाजा बंद कर रही है। पागलपन की हद कर दी है तूने, अब चाहे जो हो जाए नहीं खोलूंगी तुम्हें। सर, जिस औरत की लाश हमें जंगल में मिली ये उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, उस लड़की की मौत हमें लाश मिलने से एक रात पहले सांप के जहर से हुई है। सांप का जहर? हाँ सर, लेकिन सर उसकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी सांप के काटने का कोई निशान नहीं है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके नेक में सिरिंज घुसा के उसकी पूरी बॉडी में स्नेक पॉइजन इंजेक्ट किया गया था। लेकिन इस लड़की को इस तरीके से सांप का जहर दे के मारा गया, इसके पीछे किसी का मकसद क्या हो सकता है? सर, वो तो तभी पता चल पाएगा जब उसकी पहचान हो पाएगी। सर, आसपास के सारे होटल्स, लॉजेस, रेस्टोरेंट सब जगह पूछताछ की, लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिला। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस लड़की की उम्र कितनी थी? सर, 20 से 25 साल। 20 से 25 साल। गुंजन, उन होटल्स और लॉजेस में से ये पता करो कि हत्या के कुछ दिन पहले के दिनों में 20 से 25 साल की कोई विदेशी लड़की जिसके हाथ पर इस तरह का टैटू हो उसने वहां से चेकआउट किया था, और वहां की सीसीटीवी फुटेज भी चेक करना, देखो शायद कोई लीड मिले। यस सर। भाइयों, छोटू और आकाश में से जो सांप पकड़ेगा वही विजेता कहलाएगा, तो बोलो किस पे कितना लगाना है, छोटू पे कि आकाश पे? गुड़िया, गुड़िया बेटा सुनना, देख दरवाजा खोल दे बेटा। गुड़िया देख, देख तू जो कहेगी ना वो तुझे लाके दूंगा मैं, दरवाजा खोल दे। पापा, अगर मैंने दरवाजा खोला तो माँ मुझे मारेगी। वो है ही कसाई, लेकिन तू डर मत, डर मत बेटा, मैं ना उसको हाथ भी नहीं लगाने दूंगा तुझको, तू दरवाजा खोल दे बस। अरे गुड़िया, छोटू और आकाश में सांप पकड़ने की प्रतियोगिता लगी है, चल चल मैं तो जा रहा हूँ, चल तू भी। गुड़िया बेटा, मेरे मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है गुड़िया बेटा, बेटा बेटा पानी पानी ला दे, बेटा दरवाजा खोल दे, पानी ला दे, मैं मर जाऊंगा, अपने पापा को बचा ले बेटा। जिसने विजेता पे पैसे लगाया उसका पैसा दुगना। He say you can double your money, double double। ठीक ठीक, ओके। पापा किधर जा रहे हो? पापा रुक जाओ, पापा रुको। विजेता पे पैसे लगाएगा उसका पैसा दुगना। आकाश, छोटू छोटू और लगाओ, और लगाओ, छोटू छोटू। You wanna play on छोटू? Yes, I want. His name is छोटू। You wanna play on him? Yeah, yeah, I want. अरे गुड़िया, तू किस पे पैसे लगाएगी, छोटू पे या आकाश पे? छोटू भी मेरा दोस्त है, आकाश भी। छोटू, आकाश, 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 आकाश।
सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। अरे क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? सुनो, अरे और तमाशा मत कर सबके सामने, अपना दिमाग ठीक करा ले, समझा? देख देख अपनी हालत क्या किया तूने। तू क्या चाहता है, मैं विधवा हो जाऊं या ये अपनी लड़की गुड़िया ये अनाथ हो जाए? पागल है क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तू जानती नहीं है, मैं सांप पकड़ कर ना पारसमणि प्राप्त कर सकता हूं। सोच, अगर मुझे पारसमणि मिल गई तो हम सबकी किस्मत बदल जाएगी। माँ, पापा इतना कह रहे तो मान जाओ ना, मत बंद करो पापा को। बच्चे जिस माहौल में पलते बढ़ते हैं उनकी सोच और समझ भी वैसे ही बनने लगती है। एक तरफ गुड़िया अपने पिता के पारसमणि पाने के अंधविश्वास की साक्षी बन रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आकाश अपनी माँ के तंत्र के ढकोसलों से तंग था। छोटू अनाथ था लेकिन उसमें पढ़ने की जिज्ञासा थी, पर इन बच्चों को सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। पर इनके दुख, तकलीफ और मजबूरी का फायदा उठाने वाले कई थे। आसपास की पूछताछ में पुलिस को एक रिवरव्यू नाम की लॉज से एक विदेशी महिला के ठहरे होने की जानकारी मिली, जिसका नाम मार्था था और जिसकी बांह पर बिल्कुल वैसा ही टैटू था जैसा कि टैटू उस विदेशी महिला की बांह पर था जिसकी लाश उन्हें जंगल में मिली थी। सर, मार्था हमारे यहाँ 15 दिन रुकी थी, तभी उसके हाथ में ये टैटू देखा था। मार्था रहने वाली कहाँ की थी? सर, उसके पासपोर्ट पे यूके का एड्रेस था। दिखाइए। सर, चेकआउट करने के बाद वो देहरादून जाने वाली थी। देहरादून की लॉज की बुकिंग भी मैंने ही कराई थी, लेकिन मैंने अभी पता किया मार्था ने उस लॉज में चेक इन किया ही नहीं। सर, हमें जिस लड़की की लाश मिली वो देहरादून हाईवे के पास वाले जंगल से ही मिली थी। जिस दिन मार्था ने यहाँ से चेकआउट किया था उस दिन का सीसीटीवी फुटेज दिखाई। सर, ये टैटू तो बिल्कुल वैसा ही है। सर, हो सकता है यही मार्था हो। आपने कहा यहाँ से चेकआउट के बाद वो देहरादून जाने वाली थी, तो देहरादून जाने के लिए उसने कोई कैब बुक की थी? जी नहीं, यहाँ से उसने कोई कैब बुक नहीं किया था। हो सकता है वो बस से गई हो। कुमार, जिस दिन मार्था ने यहाँ से चेकआउट किया था उस दिन रामनगर से देहरादून जाने वाली सभी बसों और कैब्स की डिटेल्स निकालो, उनके ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ करो। सर। गुंजन, तुम यूके एम्बेसी में मार्था की डिटेल देकर ये पता लगाने की कोशिश करो कि जब हमें वो लाश मिली थी उसके बाद से मार्था अपने किसी रिलेटिव के टच में थी। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो डेड बॉडी हमें मिली वो मार्था की थी या किसी और की। यस सर। आपने कहा कि मार्था आपके यहाँ 15 दिन रुकी थी, उस दौरान उसे कोई मिलने आता था? सर, हमारे लॉज में यूके के और भी गेस्ट रुके हुए हैं, हमने उनको आपस में बात करते हुए देखा था। पुलिस ने जब उन विदेशी पर्यटकों से बातचीत की तो सामने आया कि मार्था उन विदेशी पर्यटकों के देश से तो थी लेकिन मार्था से उनकी मुलाकात भारत में ही हुई थी, और उनसे की गई पूछताछ से ये संभावना और पुख्ता होने लगी कि जो लाश पुलिस को मिली थी वो मार्था ही होगी। पुलिस हर तरह से उस अपराध का पता लगाने की कोशिश कर रही थी जो मार्था से जुड़ा हो सकता था, लेकिन इस वक्त कोई लीड नहीं थी। और ये सवाल भी उठ रहा था कि अगर एक विदेशी महिला की हत्या लूट और चोरी के इरादे से भी की गई हो तो उसे मारने के लिए उसकी बॉडी में सांप का जहर क्यों इंजेक्ट किया गया, और उसकी बॉडी को जलाने के पीछे अपराधी की क्या मंशा थी। सर, मैंने मार्था की डिटेल्स यूके एम्बेसी में मेल कर दी है, अब अगर वो मार्था ही है तो लॉज के मैनेजर का फोन आया था, वो बोल रहा था उसे उसे स्टाफ से पता चला है
कि मार्था के चेकआउट करने के अगले दिन एक बच्चा लॉज में गया था। बच्चा? हाँ सर। सर ये बच्चा मार्था के बारे में बात कर रहा था जिसने एक दिन पहले ही चेकआउट किया था। सर मैं इस बच्चे को जानती हूँ, ये रसौली मार्केट में फूल बेचता है। सर इस बच्चे को मार्था के साथ एक बार मैंने लॉन्च में बात करते भी देखा था। लेकिन सवाल ये उठता है गुंजन कि ये लड़का मार्था के चेकआउट करने के बाद मार्था के बारे में क्या पूछने आया था। सर उसी से पूछ लेते हैं। बेटा वो छोटू कहाँ है, वो जो फूल बेचता है? मैडम छोटू को तो मैंने सुबह से नहीं देखा। कहाँ रहता है वो? मैडम उसका घर नहीं है, तो गांव में जो मंदिर है ना वहाँ सोता है। छोटू अब कहाँ था इसकी फिलहाल कोई लीड नहीं मिली थी, पर ये साफ था कि छोटू पिछले दिनों मार्था से मिल रहा था। सर पूछताछ में पता चला है कि छोटू से अक्सर एक विदेशी महिला मिलने आया करती थी, हो सकता है वही मार्था हो। लेकिन छोटू का उस लॉज में जाने का क्या रीजन था जहाँ मार्था ठहरी हुई थी, और अब अचानक छोटू के गायब होने का क्या चक्कर है? गुंजन ये छोटू है कौन? सर छोटू पहले भीख मांगा करता था, लेकिन रेट पड़ने के बाद वो फूल बेचने लग गया। सर पता चला छोटू की दोस्ती किसी आकाश नाम के लड़के से थी जो पासी के बस्ती में रहता है। हेलो सर, पास के जंगल में बच्चे की लाश मिली है। कोई जानता है इस बच्चे को? मैडम ये भूती माई का बेटा है, आकाश नाम है इसका। आकाश? कुमार तुमने बताया था छोटू का एक दोस्त था आकाश, ये वही आकाश है? हाँ साहब, छोटू भी इसी बस्ती में रहता है, आकाश और छोटू दोनों दोस्त थे। इसकी माँ कहाँ रहती है? आकाश की बॉडी पर किसी तरह के घाव तो नहीं थे, अब ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि मौत की वजह क्या थी। पोस्टमार्टम? इसका मतलब आप मेरे बेटे के लाश के साथ चीरफाड़ करोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप मेरे बेटे को वापस दीजिए, मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए बस। एक मिनट, बिना पोस्टमार्टम के हम आपको आकाश की बॉडी नहीं दे सकते। अच्छा ये छोटू के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी हमें। छोटू? क्या उस कमीने ने मारा है मेरे बेटे को? हमें छोटू की तलाश है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि छोटू ने ही आकाश को मारा? साहब छोटू आकाश से चिढ़ता था, मैंने कई बार आकाश को मना किया उस सड़क छाप लड़के से मत मिल, पर आकाश मेरी बात नहीं माना, और अब देखिए क्या हो गया। आकाश की मां छोटू पर आकाश की हत्या का आरोप लगा रही थी, तो क्या छोटू हत्या करके फरार था? यूके एम्बेसी से मिली मार्था की जानकारी भी ये साफ कर रही थी कि जिस विदेशी महिला की लाश पुलिस को मिली थी वो मार्था ही थी, क्योंकि हत्या के बाद से ही ना तो मार्था का फोन एक्टिव था, ना वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक्टिव थी, और ना ही उसने यूके में अपने रिश्तेदारों से कॉन्टैक्ट किया था। लेकिन मार्था देहरादून क्यों जाने वाली थी, और उसकी पहचान पता चलने के बाद से छोटू कहां गायब था? क्या आकाश और मार्था की हत्या से वाकई में छोटू का कोई कनेक्शन था? पापा आप कहाँ जा रही है? कहीं नहीं। अच्छा ये बता छोटू कहाँ है? छोटू? हाँ छोटू। आकाश को ना
बारसमणि मिल गई है और वो छोटू है ना लेकर भाग गया है। बता छोटू कहाँ है? मुझे क्या पता सर, मैंने आकाश और छोटू के बारे में सब कुछ पता किया। आकाश और छोटू के बीच में सांप पकड़ने का कंपटीशन होता था जिसमें बैटिंग भी लगती थी। What? हाँ सर, सर यही वो सर्प मित्र है जिसने दोनों को सांप पकड़ना सिखाया और यही उस पे बैटिंग लगवाता था। किस पे कितना लगाना है, छोटू पे कि आकाश पे? फिर बदले में उन दोनों को थोड़े पैसे दे देता था। सर आकाश के मर्डर के बाद ये सर्प मित्र भी गायब है और उसका फोन भी बंद है। मार्था की बॉडी में स्नेक पॉइजन इंजेक्ट किया गया था और आकाश की बॉडी पर भी किसी एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स नहीं मिले हैं। हो सकता है आकाश को भी उसी तरीके से मारा गया हो। लेकिन गुंजन, आकाश और मार्था, इन दोनों की मौत का आपस में कोई कनेक्शन है? सर पूछताछ में तो ये पता चला है कि आकाश और छोटू के बीच में कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था और छोटू मार्था से मिल रहा था। अब छोटू भी गायब है और सर्प मित्र भी। इस सर्प मित्र को ढूंढो, मुझे लगता है इन हत्याओं में उसका कोई ना कोई कनेक्शन है इसलिए गायब है। सर हेलो मैडम, छोटू मिल गया है, आज रसौली मार्केट में फिर से फूल बेचने आया वो। मैडम जंगल में एक मंदिर है, मैं वहाँ पहले अपनी माँ के साथ रहता था, दो दिन से वहीं था मैं। वो सर्प मित्र भी तुम्हारे साथ था? नहीं मैडम, वो मेरे साथ नहीं थे। तो फिर कहाँ है वो? मालूम नहीं मैडम, लेकिन उस्ताद ने बोला था वो थोड़े दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे। कहाँ? वो पता नहीं मुझे। तुम मार्था को जानते हो? मार्था मैडम? हाँ साहब, बहुत अच्छी है वो, मुझसे फूल खरीदती है। तुम मार्था को उसके लॉज में मिलने गए थे? गया था पर वो मिली नहीं। कहाँ है मार्था मैडम? मैं उन्हें काफ़ी टाइम से खोज रहा हूँ। क्यों खोज रहे हो? मार्था मैडम, हम जैसे फुटपाथ के बच्चों के साथ कोई फिल्म बना रही थी, उन्होंने कहा था मैं भी टीवी पे आऊँगा, तो मैं इसलिए उन्हें खोज रहा हूँ। छोटू, हमसे कुछ छुपा नहीं रहे हो ना? नहीं साहब। तो तुम्हारा वो उस्ताद कहाँ है, वो सर्प मित्र जो तुमसे और आकाश से सांप पकड़ने का खेल खिलवाता था? साहब बोला ना, मुझे सच में नहीं मालूम। तो आकाश का मर्डर क्यों किया? बोलो क्यों मारा उसे? क्या आकाश मर गया? साहब ये क्या बोल रहे हो आप? आकाश की लाश मिली है हमें और हमें पता चला है कि तुम्हारा उसके साथ झगड़ा हुआ था, तुम्हीं ने मारा ना उसे? साहब आकाश दोस्त था मेरा, मैं क्यों मारूंगा उसे? तो फिर किसने मारा, तुम्हारे उस्ताद ने? नहीं साहब, वो तो हमारे गुरु हैं, वो क्यों मारेंगे आकाश को? साहब मुझे तो लगता है आकाश की माँ ने उसके साथ कुछ किया होगा, वो उसके साथ कोई तंत्र मंत्र भी कर रही थी। तंत्र मंत्र? हाँ साहब, मैंने कई बार देखा है साहब, वो मंत्र फूक के कुछ तो बनाती थी फिर वो काढ़ा आकाश को पिलाती थी। ले पी। इसी वजह से आकाश अपनी माँ को बिल्कुल नहीं पसंद करता था, वो उसे ज़बरदस्ती रोज वो काढ़ा पिलाती थी। लेकिन वो पिलाती क्या थी? साहब ये तो पता नहीं, लेकिन जब से आकाश वो काढ़ा पीने लगा था वो एकदम गुस्सैल सा हो गया था। सर छोटू का ये बयान सही है कि मार्था इंडिया में बच्चों पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के सिलसिले में आई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है गुंजन कि छोटू अभी भी हमसे कुछ छुपा रहा है, नजर रखना इस पर और उस सर्प मित्र के बारे में पता लगाने की कोशिश करो। हो सकता है छोटू जानता हो कि वो कहाँ है और उसी ने छोटू को यहाँ सब कुछ सिखा के भेजा हो। और इस छोटू का वो बयान कि आकाश की माँ कुछ तंत्र मंत्र करके उसे कुछ पिला रही थी उसे कन्फर्म करो और आकाश की माँ भूति माई के बारे में सब कुछ पता करना। यस सर। गुड़िया मेरे पास कोई पारसमणि नहीं है, मेरे उस्ताद बोलते कि आप ऐसा कोई भी सांप नहीं जिसकी मुझे पारसमणि हो, ऐसे सांप पाताल लोक में होते। ये पाताल लोक कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। गुड़िया, गुड़िया तू यहाँ क्या कर रही है इस लड़के के साथ? तू मेरी बेटी से दूर रहा करा, समझा? चल तू चल यहाँ से।
हेलो मैडम, आकाश की माँ ने सबके रहस्य आकाश की बॉडी चुराने की कोशिश की है। उसे थाने लेके आ। मैं अपने बेटे का पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगी, मुझे मेरे बेटे की लाश दे दो। इसीलिए उसका पोस्टमार्टम नहीं होने देना चाहती, क्योंकि तूने उसे कुछ पिला के मारा है। मैंने कुछ नहीं किया साहब। बॉडी चुराने की कोशिश तो की, और हमने सुना है तो उसके साथ कुछ तंत्र मंत्र करती थी। हाँ करती थी, लेकिन उसे बचाने के लिए। उस पे कोई बुरा साया था। कैसा बुरा साया? उसकी कुंडली में खराबी थी। किसी ज्योतिषी ने कहा था कि वो अल्प आयु है। मैं तंत्र से उसकी नियति को बदलना चाहती थी, लेकिन नहीं बदल पाई। मैंने अपने बेटे को नहीं मारा, मुझे मेरे बेटे की लाश दे दो बस। लेकिन अब तो तेरा बेटा मर चुका है, उसकी लाश लेके क्या करेगी तू? उसे जिंदा करूंगी। क्या? हाँ, तंत्र में बहुत ताकत होती है, और मैं ऐसा तंत्र जानती हूँ जिससे मुर्दे को भी जिंदा कर सकती हूँ। आकाश की माँ जो दावा कर रही थी वो उसके अंधविश्वास की मूर्खता ही थी, या फिर वो झूठी दलील देकर अपने अपराध को छिपाने की कोशिश कर रही थी? आकाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ हो गई कि आकाश की हत्या भी जहर इंजेक्ट करके ही की गई थी, जिस तरह से मार्था को मारा गया था। और जब पुलिस ने आकाश के घर की छानबीन की, पूरा घर छान मारो। राकेश, ये फोटोज देख के लग रहा है ये मार्था का कैमरा है। वहां से एक विदेशी कैमरा बरामद हुआ जो कि मार्था का था, और उस कैमरे में कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स मिले जिनमें आकाश की माँ के साथ एक ऐसा शख्स था जो मार्था को जानता था। सर, भूति के कमरे में स्नेक पॉइजन रिलेटेड कोई भी क्लू नहीं मिला, लेकिन ये कैमरा मिला है। ये मार्था का कैमरा है, और उसमें काफी सारे फोटोज क्लिक्ड है जिसमें भूति इस आदमी के साथ है। सर, इस आदमी का नाम आनंद है, ये टूरिस्ट गाइड है, और रिवरव्यू लॉज के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में ये भी मार्था से मिलते हुए देखा गया है। सर, मार्था को गाइड की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उसे पहले से सब कुछ पता था। तो फिर तू मार्था को मिलने उस लॉज में क्यों जाता था? सर, मैं तो उस लॉज में दूसरे टूरिस्ट से मिलने जाता था जो उसके देश से थे। वहीं मेरी मुलाकात मार्था से हुई। और मार्था का कैमरा वो आकाश की माँ के पास कैसे पहुंचा? उसने जबरदस्ती हमारी फोटो खींची थी, इसलिए मैंने उसका कैमरा छीना था। लेकिन इस आनंद के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? वो सर, एक्चुअली मेरा और भूति का अफेयर है। हाँ, मेरा आनंद के साथ चक्कर है, मेरा मर्द मर चुका है। अगर मैं आनंद को पसंद करती हूँ तो इसमें गलत क्या है? वो गलत नहीं है, लेकिन अपना राज छुपाने के लिए तुमने जो मार्था को मारा है वो गलत है। ये आप लोग क्या बोल रहे हो? कभी कहते हो कि मैंने अपने बेटे को मार दिया, कभी कहते हो कि उस फिरंगी को मार दिया। मैं क्या शक्ल से आप लोग को खूनी लगती हूँ? वो जहर और सिरिंज कहाँ है जिनसे उनको मारा? कौन सा जहर, कौन सा सिरिंज? मैंने किसी को नहीं मारा। सर, ये विदेशी तो मेरे लिए भगवान है, इनकी वजह से मेरे जैसे गाइड का पेट पलता है। भला इतनी छोटी सी बात के लिए मैं मार्था को क्यों मारूंगा? सर मैं तो खुद शर्मिंदा था, इसलिए मैंने मार्था से माफी भी मांगी थी भूति के लिए। सर, भूति बहुत खड़ूस औरत है, मेरा इतना मना करने के बाद भी उसने वो कैमरा वापस नहीं किया उसका। हाथ नहीं लगाना उसे। क्यों मार रहे उसे? इसने मेरी पारसमणी चुराई है। पारसमणी नहीं चुराई उसने, पारसमणी। सर, जिस सुबह मार्था ने रिवरव्यू लॉज से चेकआउट किया था, उस सुबह आनंद मार्था के देश के दूसरे लोगों के साथ खेताली में था। उन्होंने अलिबाई कंफर्म की है, आनंद के साथ देर रात तक था। आकाश की माँ भूति माई की अलिबाई भी कंफर्म करो, हो सकता है मार्था के मर्डर में उसका हाथ हो। हेलो। हाँ मैडम, छोटू को गांव के एक आदमी ने बहुत मारा। मैडम, उससे बार बार सर्प मित्र और उस पारस मणि के बारे में पूछ रहा है। पारस मणि कौन है वो आदमी? पराग नाम है मैडम उसका। उसकी एक बेटी है गुड़िया,
जो हमेशा उस छोटू से मिलती रहती है। सर उस सरपंच मित्र की इन्फॉर्मेशन मिली है। तू उन लोगों पे नजर रख, मैं बाद में बात करती हूँ। सर जोगीपुर में एक सपेरों की बस्ती है सर, इस वक्त वो जोगीपुर गांव में है। मैडम जी मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा विश्वास करिए। तो फिर भागा क्यों और फोन बंद करके क्यों रखा है? वो तो मैं पराग के डर से भाग गया था। एकदम पागल आदमी है मैडम जी, उसे वहम हो गया था कि मेरे आकाश के पास कोई पारस मनी है, इसके लिए उसने आप लोगों को बहुत परेशान किया मैडम जी। मुझे सांप दे, पागल है क्या? सांप दे इधर। मैंने कहा मुझे सांप दे, मुझे सांप दे। ये पागल क्या कर रहा है? मुझे सांप चाहिए, मुझे सांप चाहिए, इसके मुंह में पारस मणि है। किसने बोला तुमको कि इसके मुंह में पारस मणि है? कहीं कहीं तूने तो इसके मुंह से पारस मणि नहीं चुरा ली? मुझे सांप चाहिए, मुझे सांप दे, मुझे सांप दे। क्या कर रहे हो? अगर तूने मुझे सांप नहीं दिया और मुझे पारस मणि नहीं मिली तो मैं पुलिस में जाके ये बता दूंगा कि तू छोटू और आकाश से सांप पकड़वाने का चूहा खिलाता है। मैडम जी वो मुझे जेल लग रहा था इसलिए मैं भाग गया था। सर्प मित्र बंसी अपने बयान पर कायम रहा कि उसने ना मार्था की हत्या की थी और ना ही आकाश की। पुलिस अब गुड़िया के पिता से मिलकर इन हत्याओं में उनकी भूमिका भी खंगाल रही थी। साहब मैं नागों को जहर के लिए नहीं पकड़ता हूँ, पारस मणि के लिए पकड़ता हूँ, और उस नाग में पारस मणि थी इसीलिए मैंने आकाश और सर्प मित्र को पीटा था, लेकिन मैंने किसी को जान से नहीं मारा साहब। मैडम जी पराग किसी को नहीं मार सकता, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे तो बस इतना ही लगता था कि वो सांप के मुंह से पारस मणि निकाल सकता है। लेकिन उसे ऐसा क्यों लगता है? एक बार उसने सपने में देखा था कि सांप के मुंह में पारस मणि है, फिर एक साधु ने पैसे ऐड कर चार मंत्र दे दिए और कहा कि अगर ये मंत्र पढ़ेगा तो वो पारस मणि निकाल सकता है सांप के मुंह से। इस चक्कर में जान जोखिम में डालकर वो सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो उसे जहर वहर निकालने नहीं आता था मैडम जी। मैंने छोटू को भी पारस मणि के लिए पीटा था, मुझे लगता था कि वो आकाश से पारस मणि छीन कर उसे मारकर भाग गया है। चलो माना कि पारस मणि के लिए उसने छोटू को पीटा, लेकिन तुमने भी तो छोटू को थप्पड़ मारा था। वो मेरी गुड़िया को बहका रहा था इसीलिए मैंने मारा, नहीं तो। देखो बेटा डरो मत, जो भी है हमें खुल के बताओ। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तुम छोटू से चोरी छिपके क्यों मिलती थी? क्योंकि माँ को छोटू पसंद नहीं। क्यों? वो अनाथ है इसलिए, पर वो मेरा दोस्त है, मैं उसे पढ़ाती हूँ क्योंकि वो स्कूल नहीं जा सकता ना, इसलिए। तुम छोटू को पढ़ाती हो? हाँ मैडम, वो मुझे सांप पकड़ना सिखाता है, बदले में मैं उसे पढ़ाती हूँ। तुम छोटू से सांप पकड़ना सीखती हो? पापा सांप पकड़ के पारस मणि निकालना चाहते हैं, इसलिए मैं सांप पकड़ के पापा को देना चाहती हूँ ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े और माँ उनको बंद ना रखे। गुड़िया का मासूम बयान छोटू की भी पैरवी कर रहा था और उसके पिता की भी, और जल्द ही इस केस में एक नया खुलासा हुआ। सर पता चला है कि मार्था ने देहरादून के डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में लिखा था कि वो डीसी से मिलना चाहती है। लेकिन मार्था देहरादून के डिप्टी कमिश्नर से मिलना क्यों चाहती थी? सर इस बारे में तो चिट्ठी में कुछ भी नहीं लिखा। हेलो। हाँ मैडम जी, मेरी ना गुड़िया कहीं नजर नहीं आ रही है और वो छोटू भी कहीं दिख नहीं रहा है, जरूर जरूर वो लड़का मेरी लड़की को कहीं ले गया है। सर गुड़िया की माँ का फोन था, वो कह रही है कि गुड़िया नहीं मिल रही है, उसे लग रहा है कि छोटू ही उसे उठाकर लेकर गया है। इस बार छोटू ही नहीं उसके साथ गुड़िया भी गायब थी, लेकिन वो खुद गायब हुए थे या उनको गायब करने के पीछे किसी और का हाथ था,
नहीं साहब, गुड़िया को तो नहीं, उसके बाप को भूती माई के साथ झगड़ते हुए देखा था। तेरे वजह से मेरा मीठा मरा है, मैं तेरे और तेरे खानदान का सर्वनाश कर दूंगी, सर्वनाश। सर मुझे ऐसा लगता है कि आकाश की मौत का बदला लेने के लिए उसकी माँ भूती माई ने गुड़िया को गायब किया। लेकिन गुंजन, गायब तो छोटू भी है। सर इस आदमी ने गुड़िया को छोटू के साथ जाते हुए देखा था, छोटू गुड़िया को लेकर जंगल की तरफ गया। गुंजन, छोटू ने हमें बताया था कि जंगल में एक मंदिर है जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहता था, हो सकता है गुड़िया को लेकर वहीं गया हो। सब तरफ चेक करो। सर यहाँ पे आइए। जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। सर सर गुड़िया कहीं नहीं मिल रही। गुड़िया को आखिरी बार छोटू के साथ देखा गया था, हो सकता है यहाँ भूती माई आई हो और भूती माई और आनंद ने मिलकर गुड़िया के साथ कुछ किया हो। आनंद और भूती माई दोनों को लेके आओ। सर मैंने क्या किया है? चल, अरे मेरे कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। अरे हाँ बोलो कुमार। सर आनंद के घर पे ताला लगा है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। ना मैंने गुड़िया छोटू को कुछ किया है, ना मुझे पता है कि आनंद कहाँ है। सर आनंद को अपनी कार से गांव की बाहर की तरफ जाते हुए देखा गया था। लेट्स गो। एक तरफ छोटू के होश में आने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन गुड़िया कहां थी? इस केस में अब भी कुछ और खुलासे होने बाकी थे। बताता हूँ उस दिन मैं माता को देहरादून लेके जाने वाला था, इसलिए मैं उससे लॉज के बाहर मिला। यहाँ क्यों रोका? अभी बताता हूँ तुझे। वो मुझे एक्सपोज करने वाली थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। ऐसा क्या एक्सपोज करने वाली थी? मैडम मैं अनाथ हूं, गरीबी से परेशान था, खूब सारे पैसे कमाना चाहता था मैं। फिर एक दिन आनंद मुझे मिला और उसने बोला कि अगर मैं उन फिरंगी लोगों के साथ वो फिरंगी लोग मेरे साथ गलत काम करते थे, आनंद मुझे इसके लिए पैसे दिया करता था। और आकाश को क्यों मारा? तू उससे भी ये सब करवाता था? नहीं सर, आकाश से नहीं, लेकिन सर आकाश को पता चल गया था कि मैं छोटू से ये सब करवाता था। आकाश कौन है? छोट पागल हो गया क्या? तूने मेरे माँ को पागल किया, मैं कुछ नहीं कर पाया, पर तूने छोटू के साथ किया वो बहुत बुरा किया, इसके लिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पुलिस में दे दूंगा तुझे मैं। छोटू का भी। और गुड़िया? सब गुड़िया को एक फिरंगी ने पसंद कर लिया था, इसलिए मैंने गुड़िया मुझसे जंगल में सांप पकड़ना सीखती थी
और बदले में मुझे पढ़ाती थी, लेकिन आनंद आनंद जब उस दिन वहां आया। आनंद छोड़ इसको, छोड़ आनंद, बच्चे को छोड़, छोड़ 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 छोड़, बोला ना मैडम, मैं आकाश और मर्ता मैडम को नहीं बचा पाया, लेकिन आप लोग गुड़िया को बचा लो, वरना वरना वो फिलंगी लोग गुड़िया के साथ भी। कहाँ है गुड़िया, कहाँ है गुड़िया? गुंजन उस तरफ चेक कर। सर आनंद के चौंकाने वाले खुलासे के बाद गुड़िया और छोटू समेत कई और बच्चों के शारीरिक और मानसिक शोषण के इस अभद्र और अमानवीय अपराध का पर्दाफाश हुआ। इस केस से पहले सामने आया अलाहाबाद का केस भी ऐसे ही घिनौने अपराध से जुड़ा था। बच्चों के शोषण से जुड़े इस मामले के खिलाफ विदेशी मूल की मार्था ने बहुत पहले ही यह मुहिम छेड़नी चाहिए थी, लेकिन उसकी हत्या करके उसकी इस मुहिम को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन मार्था का यह जज्बा एक उदाहरण पेश करता है कि सच्चाई और मानवता के लिए लड़ने वाले सरहदें नहीं बल्कि इंसान और इंसानियत के उस सूत्र को रेखांकित करते हैं जो किसी देश या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए जरूरी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100, सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।